तो हेलो फ्रेंड, अनुरोही चैनल। आज हम लोग मी बी डुओपोर्स M30 का फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा मी बी डुओपोर्स M30 का बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट साइड में यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे की साइड में यहाँ पर ब्लैक कलर मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ पर इसलिए ब्लैक कलर है। तो ये चार कलर में आपको मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट में ये चार कलर में मिल रहा है, ब्लीज, ब्लैक, ब्लू और कोरल। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। और बॉक्स के नीचे की साइड में यहाँ पर डुओपोर्स F30 यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एकदम नीचे यहाँ पर डीप एंड पावरफुल बेस। और आपको इंडियन का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, इंडियन का कोई ईयरफोन लेना है, तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। और बॉक्स के ठीक पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर प्राइस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस जो लिखा हुआ है 2999 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट 8 सितंबर से अवेलेबल मिल रहा है, तो मैंने इस 8 सितंबर में ही मैं ऑर्डर किया है, तो तब ये 899 रुपीज़ मुझे मिल गया है। तो अभी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अभी कितना प्राइस है। तो अभी फ्लिपकार्ट में यह 999 रुपीज़ में मिल रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए कि अभी के लिए कितना प्राइस है। तो चलिए इस डुओपोर्ट M30 के बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मीबी के तरफ से एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद एक थैंक यू कार्ड आपको मिल जाएगा, और ये रहा एक यूज़र मैनुअल। तो ये कैसे यूज़ करना है यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस ईयरबड्स कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बॉक्स के ठीक ऊपर की साइड में यहाँ पर और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग केबल और एक ईयर टिप्स का पैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर दो साइज़ आपको मिल जाएगा, तो एक लार्ज और एक स्मॉल आपको साइज़ मिल जाएगा, और जो मीडियम है वो आपके ईयरबड्स में लगा हुआ है। तो अभी चार्जिंग केबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो USB केबल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप सी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी जो मेन जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है डुओपोर्स M30 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे टाइप का आपको चार्जिंग केस आपको मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग केस ऐसा प्लास्टिक से बना हुआ है और यहाँ पर मैट फिनिशिंग दिया हुआ है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके ठीक पीछे की साइड में यहाँ लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और इस चार्जिंग केस का कैप ओपन करने के ठीक इस जगह यहाँ पर चार इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, तो इस कैप्सूल में कितना चार्ज है यहाँ पर इंडिकेट करेगा। तो टेबल में रखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसे करके आप यहाँ रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा बॉक्स है। तो इस बॉक्स को लॉक करने के लिए जो मैग्नेट यहाँ पर दिया हुआ है वो बहुत अच्छा मैग्नेट यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी टाइट है, ईजिली ये ओपन नहीं होगा। और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ किया गया है और 5V 1A से 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलिए अभी ईयर बार्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर ही मल्टीफंक्शन बटन आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पर एक LED इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ही माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोफोन और इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर दो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो चार्ज करने के लिए, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर राइट लिखा हुआ है। तो डिज़ाइन आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए कैसे डिज़ाइन में आपको ये मिलेगा। तो इस चैनल में जो भी वीडियो होता है वो डिटेल्स में ऐसे वीडियो होता है, तो आपको ये देख के ही आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट कैसा है। और इसका साउंड क्वालिटी वो भी हम लोग चेक करेंगे, इसका माइक क्वालिटी वो भी हम लोग चेक करेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। तो इस डिवाइस में MEMC पावरफुल माइक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए इसका कॉल एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए अभी कॉल करके हम लोग देख लेते हैं। नहीं, क्लियर तो है आवाज।
मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो ये मेरे पास एक ईयरफोन है और डुओ पोड M30 है, तो इसका जो माइक है जो कैसा है ये चेक करने के लिए आपको फोन किया है। ठीक अच्छा, तो फिर इसका जो कॉल क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक ही लगा, तो ये डिवाइस कैसे यूज़ करना है वो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। तो आपको म्यूज़िक प्ले और पॉज करना है, तो इस मल्टीमीटर बटन में एक बार टच कीजिए तो म्यूज़िक प्ले होने लगेगा, और आपको पॉज करना है तो एक बार टच कीजिए तो पॉज हो जाएगा। तो आपको वॉल्यूम अप और डिक्रीज करना है, तो राइट जो एयर बार्स है वहाँ पर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखिए तो आपके वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा, और आपको डिक्रीज़ करना है तो लेफ्ट जो एयर बार्स है वहाँ पर आप टच करके रखिए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगेगा। और आपको कॉल रिसीव करना है तो इस मल्टीमीटर बटन में कोई भी लेफ्ट और राइट कोई भी एक मल्टीमीटर बटन में एक बार टच कीजिए तो आपके कॉल रिसीव हो जाएगा, और आपको डिस्कनेक्ट करना है तो एक बार टच कीजिए तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आपको वॉइस असिस्टेंट ऑन करना है तो TPL टच कीजिए तो आपके वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। अभी इसका फिटिंग आप लोग देख लीजिए, तो आपको जॉइन वगैरह करना है तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस डिवाइस में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है, और यहाँ पर वायरलेस रेंज यहाँ पर 10 मीटर है, और इस डिवाइस काफ़ी लाइट वेट है, मगर इसका जो बैकअप है आप मीडियम वॉल्यूम से आप गाना वगैरह सुनना चाहते हैं तो ये 42 आवर्स आपको बैकअप मिल जाएगा। और यहाँ पर IPX4 का रेटिंग दिया हुआ है, तो हल्के फुल्के पानी से इस डिवाइस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो करने के टाइम इसका माइक क्वालिटी कैसा है हम लोग चेक करेंगे। तो फिर अभी आप लोग साउंड सुन के मिला है, और मी भी डुओपोड M30 का साउंड सुन के मिला है, तो इसका माइक क्वालिटी कैसा है वो आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। तो मुझे इस माइक क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो अभी इसका जो साउंड क्वालिटी है वो हम लोग चेक करेंगे, इसका जो बेस क्वालिटी है कैसा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसका साउंड क्वालिटी आप लोग सुन लीजिए। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. तो फिर इस प्राइस रेंज में इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो और भी मी भी कंपनी का ईयरफोन का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो थैंक्स छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सामने वीडियो के लिए दबा दीजिए।